तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू वीडियो। और भाइयों, जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने BGMI या फिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, इसमें आप अपनी पिंग को कैसे फिक्स कर सकते हो। जो आपकी पिंग हाई आती है उसको आप लो कैसे कर सकते हो। तो गाइज, अभी थोड़े टाइम पहले ही, जब BGMI रिलीज़ नहीं हुआ था, जब मैंने PUBG मोबाइल के बारे में सेम टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि आप PUBG मोबाइल में हाई पिंग को कैसे फिक्स कर सकते हो, और ये वाली वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ BGMI के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि PUBG मोबाइल और BGMI एक ही बात है भाई, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो, एक ही तो बात है। तो गाइज, जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी वही चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक दो जगह पे अगर PUBG मोबाइल दिखे तो आप समझ लेना कि BGMI की बात हो रही है। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पुराने हो, आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन ओपन करना, वहाँ पे मेरे गेम प्ले चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले भाई इस वीडियो को देख लो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर गेम प्ले चैनल को भी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट टिप है वो है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो भाई आपने ऐसा देखा होगा कि मान लो आपके पास जियो की सिम है, भाई मानने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और सिम है तो बुरा मत मानना। मान लो आपके पास जियो की सिम है और आपके घर में एक और फ़ोन है, उसमें एयरटेल की सिम है। तो आपने ये बात नोटिस करी कि जब भी आप जियो वाली सिम से खेलते हो तो आपकी पिंग हाई आती है, लेकिन जब भी आप एयरटेल वाली सिम से हॉटस्पॉट चला के खेलते हो तो आपकी पिंग एक नंबर की आती है, मतलब बिल्कुल हरी आती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा एयरटेल की पिंग अच्छी है और जियो की बेकार है। एरिया एरिया पर बात है, किसी एरिया में कोई सा नेटवर्क अच्छा होता है, किसी एरिया में कोई सा नेटवर्क अच्छा होता है। तो भाई जैसे एयरटेल ने कहा है ना, सब ट्राई करो फिर सही चुनो। तो भाई जब तक आपकी किसी सिम से पिंग सही नहीं आ जाती, घर में जितनी भी सिम है आपको वे चेक कर लेनी है कि उनमें से आपकी पिंग किस में अच्छी आती है, और जिसमें भी अच्छी आए आपको उसी सिम पे शिफ्ट हो जाना है। तो जो दूसरी टिप है वो है लोकेशन, कि भाई आपको एक बार अपने पूरे घर में घूमना है, हर एक कमरे में, हर एक कोने में, और आपको अपनी पिंग का कंपैरिजन करना है, और आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई फ़र्क पड़ता है। तो आपको फिर एक जगह ढूंढ लेनी है ऐसी जहाँ पे आपकी पिंग सबसे कम आएगी, और आपको उसी जगह पे अपना बोर या बिस्तरा लेके, वहीं अपना गेम लेके, सब कुछ वहीं बैठ जाना है आपको, और उस जगह से हिलना नहीं है पबजी खेलते टाइम। क्योंकि भाई आप नोटिस ही करोगे कि आप किसी और जगह पे खेलोगे तो आपकी पिंग हाई आएगी, तो इससे अच्छा आप उसी कोने में बैठ के खेल लो जहाँ पे पिंग अच्छी आ रही है, आपको मज़ा आ जाएगा बस। तो जो तीसरी टिप है वो है बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स के रिगार्डिंग। तो भाई ऐसा होता है कि आपकी रिसेंट ऐप्स में एक भी ऐप नहीं है, लेकिन आपके फ़ोन में नेट तो ऑन है और बाकी एप्लीकेशन आपका नेट भी यूज़ कर रही है। और भाई जब कोई चीज़ हिस्सों में बट जाएगी तो वो कम कम हो जाएगी, ये बात तो है ही। तो भाई ऐसे आपका नेट भी हर ऐप में बटेगा तो फिर आपके पबजी को भी कम नेट मिलेगा और पिंग हाई आएगी। तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका सारा नेट सिर्फ पबजी मोबाइल को मिले और किसी एप्लीकेशन को ना मिले, तो उससे आपकी पिंग बहुत कम हो जाएगी। और उसके लिए आपको क्या करना है ये प्रोसीजर देखो, बताता हूँ मैं। तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करनी है, और अगर आपका फ़ोन सिंगल सिम है तो सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, और डुअल सिम है तो डबल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, उसमें आपको ओपन करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यूजिंग वाईफाई एंड सेलुलर नेटवर्क, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको उसमें बहुत सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, तो आपको पबजी मोबाइल के अलावा हर ऐप को खोलना है और उस पर वाईफाई और नेटवर्क कनेक्शन को क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा, इससे भाई आपका नेट सिर्फ पबजी मोबाइल को मिलेगा और किसी ऐप के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तो उससे आपका सारा नेट पबजी को मिलेगा और आपकी पिंग भी कम हो जाएगी। जो फोर्थ टिप है वो ये है कि अपने फ़ोन से फालतू के गेम्स और ऐप्स को गायब करो। अभी जाओ अपने फ़ोन का मुआयना करो, और जो आपने एक काम के लिए कोई ऐप डाउनलोड की थी 2 साल पहले, अगर आपका फ़ोन 2 साल पुराना है तो, या 2 महीने पहले आपने किसी काम के लिए 2 महीने पहले एक ऐप डाउनलोड करी थी, आपका वो काम हो चुका है और फिर भी आपके फ़ोन में वो ऐप पड़ी है, तो भाई क्या कर रही है वो, उसे डिलीट करो, उसे डिलीट करो ब्रो, उसे डिलीट करो। और भाई ये चीज़ें फ़ोटो वीडियो और मैसेजेस पे भी अप्लाई होती है, वे भी चेक करो और फ़ोटो वीडियो मैसेज को भी डिलीट करो। तो भाई जो फिफ्थ और आखिरी टिप है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो इंसानियत के नाते भी बता रहा हूँ, कि जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू फिक्स हाई पिंग,
तो उसमें आपको बंदे मिलेंगे जो आपको कोई ऐप सजेस्ट कर रहे होंगे या कोई VPN सजेस्ट कर रहे होंगे। तो भाई वो आपको बना रहे हैं, बस समझ जाओ क्या बना रहे हैं। तो भाई आपको किसी भी ऐसे झांसे स्कैम में नहीं पड़ना, ना कोई VPN डाउनलोड करना है, ना कोई अलग से ऐप डाउनलोड करना है। उससे आपकी उसको घंटा फ़र्क, किसको, आपकी पिंग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई कोई भी VPN वगैरह फ़ोन में कुछ अलग से मत डाउनलोड करो, जो जो फ़ोन में ऑलरेडी है उसी में से जो सेटिंग करनी है करो, लेकिन अलग से कुछ मत डाउनलोड करो। तो गाइस यही थे कुछ मेरी तरफ से हाउ टू फिक्स हाई पिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स उपाय, और भाई इस बात की गारंटी है कि पक्का वर्क करेंगे, तो इन्हें ट्राई कर लेना। और भाई अगर वीडियो अभी देख रहे हो तो भाई पसंद आ ही रही होगी, तो यार इसे एक लाइक भी कर दो। और भाई लाइक कर दिया तो चैनल पे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि जो फ्यूचर में भी मैं वीडियोस डालूंगा तो वो आप सबसे पहले देखने की कोशिश कर पाओगे, और अगर आपको सबसे पहले भी नहीं देखनी तो देखने की कोशिश कर पाओगे। तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनकी पिंग हाई आती है, जिससे उनकी पिंग भी लो हो और आप एक स्क्वाड बना के फिर बढ़िया तरीके से मजे ले पाओ गेम के साथ। और भाई अगर वीडियो अब भी देख रहे हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपने एंड तक देखी है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।